कैसे हैं आप लोग आज यूपी पीसीएल 2016 इवनिंग दो शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, एक मॉर्निंग शिफ्ट एक इवनिंग शिफ्ट। तो इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया था सभी जगह, तो इवनिंग शिफ्ट का आज आंसर एंड डिस्कशन है, छोटे छोटे डिस्कशन है। लेकिन ये थोड़ा फास्ट होगा, फास्ट इसलिए होगा तो मैं सोच रहा हूँ कि 150 क्वेश्चन है तो 150 का 150 करा ही दूँ, नहीं तो फिर रुक जाएगा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर दूसरा सेट जाना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो 150 का 150 रहेगा तो फटाफट इसको करेंगे। 10 बजे का टाइमिंग दिया गया है आपको, टाइम दिया गया है, अभी है 2 मिनट अभी है हम लोग के पास, तो 2 मिनट में हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग का टाइमिंग हो रहा है स्टार्ट करने का। चलिए, 10 बजने में 1 मिनट है, 1 मिनट तक इंतज़ार करते हैं हम लोग। और फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ही है जो कि बैटरी से रिलेटेड है क्वेश्चन। जी, आंसर सही है, अल्कलाइन सेल ही होगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। इसका आंसर जो होगा ये अल्काइन सेल होगा। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटरी डज नॉट रिक्वायर ट्रिकल चार्जिंग। ट्रिकल चार्जिंग का कहने का मतलब क्या है, एकदम ये देखना। ट्रिकल चार्जिंग का मतलब क्या है ना, इसका मीनिंग होता है कि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हम लोग चार्ज कर रहे हैं, मतलब टाइम बहुत धीरे 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 चार्ज होगा, है ना। ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन चार्जिंग कहलाता है। ठीक, तो ये चीज जो है लॉन्ग ड्यूरेशन चार्जिंग ये कहलाता है हमारा। तो अब इसमें है कौन सा चार्ज, कौन सा, तो इसमें जो आता है इसमें एसिड सेल आता है ट्रिकल चार्जिंग में। तो एसिड सेल में आप ये देखो, लीड एसिड सेल है ये आएगा ट्रिकल चार्जिंग में, लीड एसिड सेल यहाँ भी है ये भी आएगा ट्रिकल चार्जिंग में, लेकिन अल्कलाइन सेल जो है ये एसिड सेल नहीं होता है, जिसके कारण इसका आंसर ये होगा। तो ये याद रखना, ट्रिकल चार्जिंग जो होता है वो हमारा लॉन्ग ड्यूरेशन चार्जिंग होता है, टाइम टेकिंग चार्ज ये बैटरी लेता है ये चार्ज होने में, और नाइदर लीड सेल और नॉर अल्कलाइन सेल ये तो होना संभव नहीं है, इसके लिए इसका जो आंसर होगा वो अल्कलाइन सेल होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन फटाफट फटाफट जल्दी से बताइए, वोल्टेज लिमिट ऑफ एन एसी, ठीक है, वोल्टेज लिमिट ऑफ एन एसी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज। देखिए, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज जो लिया जाता है हम लोग का, ये चीज लिमिट लिया जाता है 110 वोल्ट से 220 वोल्ट। ठीक, ये चीज़ हम लोग लेते हैं। 110 वोल्ट जो बोला जाता है ये यूएस स्टैंडर्ड में आता है हमारा, और ब्रिटिश स्टैंडर्ड में जो आता है वो 220 आता है, इसीलिए 110 और 220 दोनों बोला जाता है ये हम लोग का। तो जो हम लोग का अभी जो लिमिट होगा तो सीधी सी बात है कि 250 लिमिट हो जाएगा ये हम लोग का। इन अ डेल्टा कनेक्शन द लाइन वोल्टेज लेग फेज करेंट बाई कितना डिग्री, 30। डेल्टा करंट में वोल्टेज लैग बिहाइंड फेज करंट जो हम लोग बनाते हैं आईपी, है ना, तो बिहाइंड फेज करंट बाय, तो इसका जो ये डिग्री होता है ये 30 डिग्री होता है बाबू, 30-30 डिग्री पे ये शिफ्ट करता है। हम लोग क्लास में भी देखे थे और ऐसे भी डिस्कशन कर सकते हो फटाफट, यदि हम लोग देखें तो ये हमारा डेल्टा है, ये हम लोग का डेल्टा कनेक्शन है। ठीक है, और यहाँ से 3 लाइन करंट पास कर रहा है वाई बी, रोटेशन यही ले लिया हम लोग। ठीक है, तो एक करंट यहाँ, एक करंट यहाँ, ये डेट इज फेज करंट आई पी वन आई पी टू
एंड IP3 लाइन करंट एंड फेज करंट, क्लियर है? सो IP2 एंड IP3 120 डिग्री, 120 डिग्री और 120 डिग्री। तो अब ये तो ये फेज करंट है, तो लाइन करंट कहाँ होगा? जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा IP3, दोनों के बीच का ही क्या हो गया, लाइन करंट। ये हम लोग का लाइन करंट, तो वही बोला है लाइन वोल्टेज लेग बिहाइंड फेज करंट इज इक्वल टू। तो अब यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगा, वोल्टेज यहाँ आएगा, तो ये डिग्री टोटल कितना था, ये 120 डिग्री, ये हमारा कितना डिग्री, 60 डिग्री, ये हमारा कितना, 30 डिग्री, और इसी के बीच में वोल्टेज आ जाएगा तो कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री सिलेक्ट कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एफिशिएंसी ऑफ शोवर नॉइस विंडमिल इज अबाउट। देखिए शोवर नॉइस विंडमिल जो होता है ये, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन, इसमें यूज होता है वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन यूज होता है, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी इसका ये भी आता है VAWT, ठीक है। तो कहने का मतलब है इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं और इसका एफिशिएंसी कितना है, तो एफिशिएंसी जो इसका है वो बहुत कम रहता है बाबू, 15% रहता है, क्योंकि ये वर्टिकली होता है, ये चेंज होता है दूसरे, ये क्रॉस रहता है इस तरह से ये, तो ये हम लोग का बहुत ही कम होता है इसका ये। विद द इंक्रीजिंग ऑफ द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, ये जस्ट दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डिक्रीज हो गया। छोटा छोटा क्वेश्चन है, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर इज कैलिब्रेटेड टू मेजर, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर किसका मेजर करता है, आप लोग बताइए ये, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन आप बता सकते हो यहाँ से, बताइए बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर किसका मेजर करता है, यहाँ बाबू चार्ज का, आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है, इज नॉट अ मेथड ऑफ द हाई रेजिस्टेंस इंटरप्शन ऑफ आर्क एक्सटेंशन। देखिए आर्क कूलिंग, आर्क कंस्ट्रक्शन, आर्क लाइटनिंग सब कुछ है आर्क के लिए, ब्लास्ट इफेक्ट जो होता है वो मेथड नहीं है हाई रेजिस्टेंस को ये करने के लिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क। नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गॉज डिपेंड्स अपॉन पीजो रेजिस्टिविटी इफेक्ट होगा सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गॉज जो होता है हमारा, ये डिपेंड करता है पीजो रेजिस्टिविटी पे। SCR का फोर लेयर होता है, PNPN होता है, फोर लेयर होता है और थ्री जंक्शन होता है, ये PN और एक दो तीन जंक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टीम टर्बाइन। देखो स्विच यार्ड तो होगा ही होगा, एस प्रसिपिटेटर तो होगा ही होगा, ड्राफ्ट फैन होगा होगा, सर्ज चैम्बर सर इसका नहीं है, यही इसका आंसर है फोर्थ नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, अर्थ इलेक्ट्रोड यूज्ड इन प्लेट अर्थिंग इज अ, अर्थ इलेक्ट्रोड जो हम लोग यूज करते हैं वो कौन से, मतलब किस टाइप के प्लेट में, मतलब कौन सा प्लेट का जो टाइपिंग होता है वो कौन सा होता है, अर्थ इलेक्ट्रोड यूज इन प्लेट अर्थिंग इज अ कॉल्ड प्लेट, सीधी सी बात है प्लेट पे यूज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू मेंटेन द कांस्टेंट वोल्टेज इन अ फीडर सर्किट, कांस्टेंट वोल्टेज ऑन अ फीडर सर्किट, इंडक्शन रेगुलेटर कौन सा मेंटेन करता है कांस्टेंट वोल्टेज फीडर सर्किट में, तो ये हम लोग इसको बोलते हैं इंडक्शन रेगुलेटर। बूस्टर क्या करता है, बूस्टिंग करने के लिए यूज करते हैं, जो कि फीडर से बाहर होता है लाइन में होता है, ये हमारा टैप चेंजर ट्रांसफार्मर में होता है, फेज एडवांसर भी हम लोग का लाइन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द अर्थ न्यूट्रल सिस्टम द मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांजिएंट वोल्टेज इज वेरी स्मॉल, मैग्नीट्यूड जो होता है बहुत ही कम होता है किसका, अर्थ न्यूट्रल सिस्टम का, ठीक है। ये सब क्वेश्चन है, छोटा छोटा क्वेश्चन है। करंट चॉपिंग यूजुअली अकर्स इन, सबसे अच्छा करंट चॉपिंग जो होता है इसमें से
देखो एमसीबी में नहीं होता है बाबू, ऑयल सर्किट ब्रेकर ये सब में नहीं होता है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में सबसे अच्छा करंट चॉपिंग होता है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, ये भी क्वेश्चन है। डज नॉट हैव एनी इरिपेरेबल कंपोनेंट, देखिए इसमें से कौन सा नहीं है, तो सर इसमें से एमसीबी जो है वो रिपेरेबल कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि ये जो होता है ऑटोमेटिकली हम लोग यूज करते हैं और ये जैसे ही मतलब एक तरह से फ्यूज की तरह यूज होता है, लेकिन ये ऑटोमेटिक होता है। आपका जैसे ही कुछ होगा ये अपने आप डाउन हो जाएगा, इसमें आपको कोई मैनुअली करने का कोई ज़रूरत नहीं है, सस्ता भी है, ये सब तो आप जानते ही हो। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडक्शन मोटर इतना आरपीएम 40 हर्ज, फाइंड द नंबर ऑफ पोल, एन एस इक्वल टू 120 F/P, सो पी इक्वल टू 120 F/NS, 120 × 40 अपॉन एन एस 600, है ना, ये कितना हो गया 8, ये दो बार में कट गया। 17 नंबर क्वेश्चन, वोल्ट मीटर हैज, सर वोल्ट मीटर हैज एक क्वेश्चन में और हम लोग डिस्कशन किए थे, हाई रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट थ्री वायर हैविंग 2, 3 और 6 mho रिस्पेक्टिवली, ठीक है, एंड कनेक्टेड इन पैरेलल इन अ सर्किट, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज, देखिए ये कुछ ये बोल रहा है कि पैरेलल में है, कनेक्टेड है महो में, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस, तो सीधी सी बात है कि महो है तो पैरेलल में है तो जुड़ जाएगा, है ना, तो G1 + G2 + G3 हो जाएगा टोटल जी इक्विवेलेंट, तो 6, 3, 9, 2, 11 जी इक्विवेलेंट इक्वल टू हो गया 11, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू हो गया 1/11, ये आपका डायरेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। UPS स्टैंड फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ये तो आप जानते ही हो। नेक्स्ट है पिन टाइप इंसुलेटर आर एम्प्लॉयड अप टू, पिन टाइप को हम लोग 33 तक यूज करते हैं, पिन टाइप 33 है ना, डिस्क टाइप 33 से 765, सकल टाइप 11, सकल टाइप जो होता है हाँ 11 किलो वोल्ट से लोअर करते हैं, बिलो 11 किलो वोल्ट है ना, तो इस टाइप से हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, इन GTO गेट सर्किट लॉसेस आर, इन GTO गेट सर्किट लॉसेस आर, सर इसमें बहुत ही ज़्यादा होता है गेट सर्किट लॉसेस GTO में, है ना, ये भी एक मतलब थायरिस्टर का टाइप है ना, ठीक है। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मल्टी वाइब्रेटर इज रेफर्ड एज अ फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर, इसमें से कौन सा मल्टी वाइब्रेटर है जो फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर होता है, सर ये सब जितना भी है ना ये सब सर ये फ्री रनिंग नहीं है, इसको एक लिमिट के साथ करते हैं। अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो होता है वो फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर होता है ना, मतलब इसमें कोई स्टेबल स्टेट नहीं होता है, इसका कोई स्टेबिलिटी नहीं होता है ना, ये बस एक्शन में आया ऑन करो ये कंटिन्यू आपका वाइब्रेटर यूज होता चला जाएगा। स्लिप रिंग एंड ब्रशेस आर फाउंड वाउंड टाइप मोटर, स्लिप रिंग वाउंड टाइप मोटर में यूज होता है, स्पाइरल में नहीं यूज होता है बाबू। कोरोना डिस्चार्ज इज जनरली इन, कौन सा डिस्चार्ज इन जनरली जो होगा वो हमारा ब्लू कलर का होता है बाबू। रिस्क ऑफ ब्रोकन न्यूट्रल इन ए मैक्सिमम इन, कौन सा अर्थिंग में सबसे ज़्यादा रिस्क है ब्रोकन का, तो देखो इसको हम लोग बोलते हैं TNC, TNC, टी है अर्थ, ठीक है, तो अब अर्थ है तो टी जो अर्थ है तो टी से अर्थ कैसे पता चलेगा, तो टी को बोला जाता है टेरे, TERRE, ये फ्रेंच भाषा है, इसको हम लोग अर्थ बोलते हैं, ठीक है। अर्थ N से है न्यूट्रल एंड C से है अर्थिंग,
ये हम लोग TNC सिस्टम यूज करते हैं हम लोग अर्थिंग के लिए, ठीक है, ये सभी जगह हम लोग यूज करते हैं। स्क्रीन केबल कैन बी यूज फॉर वोल्टेज, ये देखो स्क्रीन केबल जो हो गया वो 33 to 66 किलो वोल्ट यूज करते हैं, लेकिन ये केबल आप ये याद रखना, ये केबल बाबू UPPCL में ही ऐसा लिया जाता है। UPPCL से जैसे ही बाहर जाओगे तो ये जो है ना ये चेंज हो जाता है, UPPCL से जैसे ही बाहर जाओगे तो 33 से 132 किलो वोल्ट तक ये मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, पीक फैक्टर फॉर अ हाफ वेव रेक्टिफायर साइन वेव इज, पीक फैक्टर पूछा है हाफ वेव रेक्टिफायर इज, तो पीक फैक्टर कितना बताइए, तो पीक फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा मैक्सिमम वैल्यू अपॉन RMS वैल्यू, ठीक है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो गया और RMS वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, तो Vm/2, तो 2 हो गया, तो RMS वैल्यू इसका 2 होता है। सोडियम वेपर लैम्प इज यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट, जितना भी स्ट्रीट लाइट है सभी जगह हम लोग क्लास में भी डिस्कस किए थे, ऑनलाइन भी हमारा एक ये है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर मस्ट बी डिजाइन टू अ मैक्सिमम एफिशिएंसी एट अबाउट 50% ऑफ द फुल लोड, हम लोग डिजाइनिंग करते हैं कितना परसेंटेज पे, 50% पे मैक्सिमम जो हम लोग का एफिशिएंसी होता है 50% ही होता है, उसके बाद इसको हम लोग स्टेप अप स्टेप डाउन करते हैं तो ये हम लोग का चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इसका कारण भी है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का, क्योंकि इसमें वेरिएबल टाइप्स ऑफ लोड लगा हुआ होता है, वेरिएबल टाइप्स ऑफ लोड होने के कारण हम लोग को कुछ पता नहीं रहता है कि कितना लोड कब अप एंड डाउन होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन है कौन सा गैस इज मेजोरिटी प्रोड्यूस इन एनोबरिक डिकम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन और एनिमल, सर बाबू गोबर गैस आप जानते ही हो है ना, ह्यूमन एंड एनिमल के का जो हम लोग का जो निकलता है उसी का ये है हम लोग का। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर इज इम्प्लॉयड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, एयर फर्नेस ड्यूटी ट्रैक्शन सिस्टम, ट्रैक्शन सिस्टम सबसे ज़्यादा एयर ब्लास्ट यूज किया जाता था, आवाज़ भी करता था, ये कारण भी है ट्रैक्शन सिस्टम ओपन होता है टोटल, और ओपन में सबसे अच्छा आपका आर्क पंचिंग मीडियम जो होता है वो हमारा ट्रैक्शन सिस्टम ही है, और दूसरा क्या है फर्नेस ड्यूटी, तो मतलब बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट है आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर अ DC एमिटर शंट, इसमें से कौन सा नहीं है, तो हाई थर्मल ऑटोमेटिक फोर्स ही है सर जिसको शंट एमिटर के लिए यूज हम लोग नहीं करते। नेक्स्ट है इज नॉट अ ग्रुप मेंबर ऑफ थायरिस्टर, ये ट्रांजिस्टर का मेंबर है BJT SCR JTO एंड JTO एंड GTO है, वो ट्रैक जो है वो सारा का सारा यूज होता है। स्टार कनेक्शन यूज फॉर मोटर अप टू 5 HP, ये याद रखना स्टार कनेक्टेड जो होता है वो हम लोग का 5 HP तक यूज करते हैं, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिले ऑपरेट्स व्हेन द करंट एक्सीड अ प्रीसेट वैल्यू, क्या बात, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिले ऑपरेट व्हेन द करंट एक्सीड अ प्रीसेट वैल्यू, ये आफ्टर द है, डिफरेंशियल रिले से इसको कोई मतलब नहीं है सर, इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रिले जो होता है वो एक्सीड हो जाता है हमारा इंस्टेंटेनियस रिले, ठीक है। फॉर अ हीटिंग नॉन कंडक्टिंग मटेरियल दैट इज द डायलैक्टिक हीटिंग, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है मतलब इंसुलेटिंग टाइप का है, ये डायलैक्टिक उसी का एक पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 0.04 फैराड कैपेसिटेंस इज 4 वोल्ट चार्ज स्टोर कैन बी, तो चार्ज स्टोर जो होता है हाफ CV स्क्वायर होता है नहीं, तो कितना हो गया हाफ, यही बोलोगे ना चार्ज स्टोर पूछा है, अच्छा चार्ज स्टोर इन इट विल, एनर्जी नहीं पूछा है बाबू, तो हम लोग ये फॉर्मूला तो यूज कभी नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग, तो Q = CV, चार्ज ही है ना, और देख रहे यूनिट में ही है, तो 0.04 × 4 0.16 कूलम, ये आपका हो गया आंसर।
For overhead transmission line, the magnitude for such impedance is close to overhead transmission line में बाबू 400 से 600 ये हमारा सर्ज इम्पीडेंस होता है, ये तो आप लोग भी जानते हो। अच्छा यहीं से पूछता अंडर अंडरग्राउंड केबल के लिए तो 40 से 60 ओम ठीक है। इन ट्रांसफार्मर अकर्स ए डायमेंशनल चेंजेज बोथ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज रेफर टू ए मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं। कारण क्या है कि डायमेंशन यदि चेंज हो रहा है ना, किसी भी कारण से उसको डायमेंशन यदि चेंज हो रहा है आपके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, जो आप मटेरियल कोर में यूज कर रहे हो उसका एक ही इसको ही बोला जाता है, डायमेंशन चेंज को ही बोला जाता है मैग्नेटो स्ट्रिक्शन। एवलांच बैरेक्टॉन अकर्स एट रिवर्स वाइज वोल्टेज इज 8 से 10। हम लोग फटाफट इसको कर लेते हैं। परफेक्ट रिप्रोडक्टिविटी मीन्स द इंस्ट्रूमेंट हैज जीरो ड्रिफ्ट। ट्रांसड्यूसर मे बी नॉट बी कॉल्ड एज एम्पलीफायर, बाकी सब तो ट्रांसड्यूसर को कह ही सकते हैं, पिकअप कह सकते हैं, सिग्नल जनरेटर को भी ट्रांसड्यूसर ही बोलते हैं, CTPT को भी ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। देखते हो तो ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। करंट पासिंग थ्रू इतना एम्पियर एंड एनर्जी स्टोरेज, यहाँ पूछा है एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ इंटू एल 0.2 × 4, ये आपका हो गया 1.62। एल आई स्क्वायर 4 × 8 = 16 ठीक है। नेक्स्ट लाउडनेस इज एक्सप्रेस इन डेसिबल, डीबी में करते हैं हम लोग साउंड को। इट मच लोअर टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव एज इंसुलेटर, टेम्परेचर कम रहेगा तो बिहेव कैसा करेगा इंसुलेटर की तरह ठीक है। द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ केबल कैन बी मेजर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा मेगर भी कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर भी मेथड यूज कर सकते हैं, सर दोनों यूज कर सकते हैं ठीक है। एंड एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ देयर आर नो कॉपर लॉसेस इन द रोटर देन, यदि कॉपर लॉस नहीं है, कहने का मतलब है कि रोटर विल रन एट सिंक्रोनस स्पीड, मतलब यदि कॉपर लॉस नहीं है बाबू तो हम लोग का जो है नो लोड करंट नहीं है, ये समझ रहे हो, ये चीज 48 आप लोग समझ रहे हो कैसे होगा। इंडक्शन मशीन से भी आप देख सकते हो 48 का, तो यहां से भी आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है तो रोटर विल रन एट सिंक्रोनस स्पीड, कहने का मतलब है कि यदि देखो नो लोड नो कॉपर लॉस है मतलब लोड नहीं है, और लोड नहीं है तो करंट क्या है जीरो है, करंट जीरो है तो ईएमएफ कितना है हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, ईएमएफ मैक्सिमम हो जाएगा, करंट जीरो है कहने का मतलब टॉर्क नहीं है, टॉर्क जीरो तो स्पीड क्या है, रोटर का स्पीड कितना हाई स्पीड है, स्लिप जीरो है, तो ये सारा चीज टर्म आ जाता है हमारा, तो रोटर विल एट रन एट सिंक्रोनस स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ डीसी ड्राइव ऑल ऑफ द अबव, रीजनरेटिव होता है, नॉन रीजनरेटिव होता है, सिंगल फेज भी होता है बाबू। नेक्स्ट पोल्यूशन ड्यू टू टिडल एनर्जी जनरेशन इज यूजुअली जीरो, टिडल एनर्जी से कोई पोल्यूशन नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू IS कोड इंडियन स्टैंडर्ड कोड ठीक है, द कलर ऑफ अर्थ वायर इज यूजुअली ग्रीन लिया जाता है ठीक है। कैपिटल कॉस्ट ऑफ न्यूक्लियर प्लांट इज वेरी हाई, बहुत ही ज्यादा लगता है बाबू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज
एन इफेक्ट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन अ कंडक्टर, स्किन इफेक्ट और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट दोनों दोनों नॉन यूनिफॉर्म होता है। ओपन सर्किट टेस्ट ऑन अ ट्रांसफार्मर इज यूज टू फाइंड, ओपन सर्किट टेस्ट नो लोड टेस्ट, नो लोड करंट, यू टू फाइंड नो लोड करंट मतलब एक मैग्नेटाइजिंग करंट होता है, एक स्मॉल करंट होता है जो कि हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। एन इंटीग्रल नंबर ऑफ स्लॉट पर पोल इज ऑफ्टन यूज्ड एन अल्टरनेटर इन ऑर्डर टू एलिमिनेट हार्मोनिक इन द वेवफॉर्म, यही आपका आंसर हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेक द बस बार एंड ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का हम लोग बनाते हैं। कोर इज इंसुलेटेड बाय, कोर इज इंसुलेट बेल्टेड केब, बेल्टेड केबल में कोर जो होता है वो इम्प्रीगेटेड पेपर का बनाया जाता है। फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड सिंक्रोनस मोटर गिव कॉन्स्टेंट स्पीड, मोटर में कोई स्पीड चेंज नहीं होता है। स्केल ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। कौन सा इसमें है जिसका लाइफ 10 ईयर होता है मैक्सिमम, क्या होगा इसका बताइए, इसका हो जाएगा आपका स्टील पोल, स्टील पोल का सबसे ज्यादा होता है। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन जर्मेनियम इज 4, सिलिकॉन का भी 4। आर्किंग कॉन्टैक्ट्स इन अ सर्किट ब्रेकर इज यूजुअली मेड अप ऑफ कॉपर टंगस्टन एलॉय। एन इंडक्शन मशीन वर्क एट जनरेटिंग मोड व्हेन स्लिप इज, अब देखो जनरेटिंग मोड में यदि ये है तो स्लिप क्या हो जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव होगा तभी हम लोग का कहने का मतलब है। जनरेटिंग मोड कहने का मतलब क्या है, स्लिप इक्वल टू एन एस माइनस एन आर हो जाएगा आपका एन एस। सो इफ एन आर इज ग्रेटर देन एन एस तो ये हम लोग का ज़्यादा हो जाएगा तो ये कम होने लगेगा तो ये हम लोग का नेगेटिव हो जाएगा। हॉल इफेक्ट इज डिटरमाइंड कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ सेमीकंडक्टर कंडक्टिव मोबिलिटी, सब कुछ हॉल इफेक्ट से हम लोग एक सेमीकंडक्टर मटेरियल का फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, नंबर ऑफ इमोबाइल कॉन्टैक्ट इन डबल ब्रेक ऑयल सर्किट ब्रेकर इच, नंबर ऑफ इमोबाइल 2, इसमें जो डबल ऑयल सर्किट ब्रेकर का होता है तो इसमें 2 हम लोग का स्ट्रोक यूज होता है। फ्लोरोसेंट मटेरियल जिंक सिलिकेट यूज इन फ्लोरोसेंट ट्यूब गिव कौन सा कलर, तो जिंक सिलिकेट देगा ग्रीन कलर। मेरा एक लेक्चर है इसमें इल्यूमिनेशन में फ्लोरोसेंट लैम्प का एक अलग से उसमें टेबल हम बनाए थे उसमें ये क्वेश्चन था छुपा हुआ। जनरली मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेमी कंडक्टर इज 3 times ऑफ मोबिलिटी ऑफ होल, ये 3 times होता है मोबिलिटी ऑफ होल के, ठीक है। अब देखो कैसे, कौन सा इलेक्ट्रॉन किसका, सेमीकंडक्टर मटेरियल का, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन का जो होता है हमारा, जैसे सिलिकॉन का लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मोबिलिटी वो 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है पर वोल्ट सेकंड। होल का जो होता है हमारा, ये हमारा होता है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये 3 times हम लोग का होता है। कोरोना लॉस इन डीसी मशीन डीसी ट्रांसमिशन इज वेरी मिनिमम, क्योंकि कोरोना लॉस जो पावर लॉस जो डिपेंड करता है वो F+25 पे डिपेंड करता है और डीसी का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 0 होता है, इसलिए ये पावर लॉस 25 पे डिपेंड करता है और एसी में 25 पे, ठीक है। एब्जॉर्बिटी इज अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज 1, देखो ये थोड़ा सा ना हाई सेमी कंडक्टर का है लेकिन ये है किसका क्वेश्चन आपका, है मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का ही लेकिन क्वेश्चन है थोड़ा सा केमिस्ट्री से रिलेटेड। ये फिगर जो है बाबू, ये फिगर बहुत मजेदार है, देखो फिगर क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटर सर्किट, ये इंटीग्रेटर सर्किट,
ठीक है। इंटीग्रेटर है, कहने का मतलब है इंटीग्रेटर किसको हम बोलेंगे कि यहाँ जो देखिए ये क्या है ना, ये इसको इंटीग्रेट कर रहा है, सॉरी यहाँ नहीं चल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th नंबर, कौन सा ब्रेकिंग है इसमें जो कि जनरली यूज इन ब्रेकिंग है ना बैटरी ऑपरेटेड स्कूटर, इसमें से कौन सा मेथड है जो कि हम लोग यूज करते हैं, इसमें हम लोग यूज करते हैं बाबू मैकेनिकल सिस्टम, मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम यूज करते हैं। द कैपेसिटर डिसिपेट एनर्जी, कैपेसिटर डिसिपेट एनर्जी कितना, कैपेसिटर कैपेसिटर डिसिपेट नो एनर्जी, ये एनर्जी स्टोर करता है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग फोर्स इन इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंडक्टिंग इंस्ट्रूमेंट, दैट इज द गैल्वेनोमीटर फोर्स, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंडक्टिंग इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट, इफ द रोटर रेजिस्टेंस इन द इंडक्शन मोटर इज स्मॉल, रोटर करंट विल बी लार्ज, रोटर का इंडक्शन मोटर में रेजिस्टेंस यदि कम होगा तो रोटर करंट क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। नेक्स्ट, लॉन्ग कंडक्टर है, क्रॉस सेक्शन एरिया है एल इक्वल टू 2.2 मीटर है, एरिया इक्वल टू 0.025 मीटर स्क्वायर है, रेजिस्टेंस दे दिया है 5 ओम है, रेजिस्टिविटी फाइंड करने के लिए बोला है, तो रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू ए अपॉन एल, 0.025 इंटू 5 अपॉन 2.2, रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या 0.57 ओम मीटर, ठीक है, तो 0.57 ओम मीटर। नेक्स्ट, वोल्टेज रेगुलेटर यूज इन मोबाइल फोन, और कहीं नहीं यूज होता है इसमें, ना स्विंग मशीन में ना रेफ्रिजरेटर ऑपरेशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रेटेड इंस्ट्रूमेंट, वाट आवर मीटर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल वेसल्स व्हिच कंटेन्स अ ड्राइंग एजेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ए स्मॉल वेसल व्हिच कंटेन अ ड्राइंग एजेंट, दैट इज द ब्रीदर, इन द टॉर्क रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द क्वाइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थ्रो इट करेंट का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली यूज ऑफ मेक परमानेंट मैग्नेट, इसमें से कौन सा है जिसको हम लोग परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं, तो कोबाल्ट स्टील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर जनरेटिंग ऑफ अ थर्मल पावर प्लांट इज बेस्ड ऑन, इसका प्रिंसिपल ही होता है रेनकन साइकिल, इन एन इंडक्शन मोटर द नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट नेवर बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोटर स्लॉट ऑर्डर टू कॉल्ड, यदि दोनों बराबर नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं कॉगिंग, क्रॉलिंग जो होता है वो हार्मोनिक के कारण होता है। एज कंपेयर टू DOL डायरेक्ट ऑनलाइन स्टेटर स्टार डेल्टा ऑपरेटेड एट 57.7% ऑफ फुल लोड वोल्टेज, डायरेक्ट ऑनलाइन जो होता है वो हमारा टोटल पे डिपेंड करता है। कॉपर सिल्वर डायमंड एंड एग्जाम्पल ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ड्यूरिंग रिवर्स बायस ऑपरेशन ऑफ ए पीएन जंक्शन अ फ्यूल करंट फ्लो नॉन एज डैश व्हिच डैश बैरियर वोल्टेज, तो द फ्यूल करंट फ्लो नॉन एज रिवर्स करंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द बैरियर वोल्टेज, मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी जीरो इफ द सर्फेस एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर द मैग्नेटिक फील्ड, यस सही है, जीरो रहेगा मैग्नेटिक फ्लक्स। आर्सेनिक मिक्सिस विथ, किसके साथ मिक्स करोगे, तो जर्मेनियम के साथ, सीधी सी बात है, जर्मेनियम क्या होता है, इसके पास चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, टेट्रावैलेंट होता है, इस पर हम लोग यूज करेंगे और यहाँ हम लोग लगा देंगे, तो जर्मेनियम बाबू सिलिकन के साथ में। एक्यूरेसी ऑफ नल टाइप इंस्ट्रूमेंट इज जनरली
डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, नल टाइप इंस्ट्रूमेंट ग्रेटर देन, ग्रेटर होता है नल टाइप इंस्ट्रूमेंट डिफ्लेक्शन से सर। एसी ड्राइव आर यूज टू कंट्रोल इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर बोथ हैंड एंड टू। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मर्करी इज फिल्ड इन एच पी एम वी लैंप। एच पी एम वी लैंप मतलब मर्करी डिस्चार्ज लैंप होता है ये, मर्करी वेपर लैंप बोला जाता है इसको, हाई पावर मर्करी वेपर लैंप, जिसमें तो सर इसमें हम लोग आर्गन यूज करते हैं फॉर कूलिंग पर्पस। ठीक है, नेक्स्ट व्हीटस्टोन ब्रिज इज बेस्ट सुटेड मेजरमेंट ऑफ मीडियम रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस के लिए केल्विन, हाई रेजिस्टेंस के लिए मेगा। नेक्स्ट डिफ्यूजन कैपेसिटेंस ऑफ द पी एन जंक्शन डायोड इज इंक्रीजेज। नेक्स्ट व्हाइल सेलेक्टिंग अ हीटिंग एलिमेंट वन शुड कीप इन द माइंड दैट इट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस शुड बी, क्या है व्हाइल सेलेक्टिंग अ हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट में हाई रेजिस्टेंस होगा सर। रेजिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ द वैक्यूम सर्किट ब्रेकर इज हाई, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का है। सर्ज डाइवर्टर एंड सर्ज एब्जॉर्बर आर टाइप्स ऑफ, क्या बात ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है। सर्ज डाइवर्टर एंड सर्ज एब्जॉर्बर ये हम लोग अक्सर बात करते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइसेस में यूज करते हैं हम लोग सर्ज वाला सारा टर्म। लाइटनिंग अरेस्टर हम लोग वेव के लिए यूज करते हैं। द 400 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूशन लाइन आर कॉमनली नॉन एज, 400 वोल्ट को हम लोग क्या बोलोगे डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। उसके बाद सर्विस मैन आती है दोस्तों जो हम लोग के घर के पास आती है, ठीक है। फीडर डिस्ट्रीब्यूटर एंड सर्विस मैन, फीडर चला ट्रांसफार्मर के पास पहुंचा, डिस्ट्रीब्यूटर हुआ, ठीक है। ये फीडर सब स्टेशन से ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर से डिस्ट्रीब्यूटर हुआ और जो घर में चला गया ये जो आप अपना टोका फंसा करके ले रहे हो घर में इसको हम लोग बोलते हैं सर्विस मैन, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट पावर कंजप्शन, इसमें से कौन सा सबसे ट्यूबलाइट ठीक ठाक है, आर्गन बल्ब बहुत ज़्यादा, सी एफ एल कम, एलईडी मजेदार है। नेक्स्ट सिरामिक डू नॉट फजेज इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, बाकी सब कुछ इसमें है, बाकी ये इंसुलेटर की इंसुलेटर का टाइप होता है। 0110 देखिए ये एक हमारा जो फॉर्म हो जाता है, सॉरी अचानक से लाइट कट गई थी हमारी और लाइट कटने के बाद सब कुछ शट डाउन हो गया हमारा अचानक से। खैर कोई बात नहीं, हम लोग का टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो गया है ना, थोड़ा सा टाइम लैप्स चला गया हम लोग, लेकिन फिर से कनेक्ट हो रहे हैं, फिर से जुड़ रहे हैं आपसे। और 0110 कहाँ फंसे थे, 0110 का बाइनरी फॉर्म में करना है तो 0 × 2³, 1, 2, 3 प्लस 1 × 2² 2 प्लस 1 × 2⁻¹ 1 एंड 0 × 2⁻⁰ तो कितना हो गया 6 डेसिमल में, तो 6 आंसर हो गया बाबू, ठीक है। हम लोग फिर से कनेक्ट हो गए हैं। द गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स कौन सा लाइटनिंग सिस्टम है ये, इसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट लाइटनिंग सिस्टम, ये डायरेक्ट नहीं है बाबू, क्योंकि डायरेक्ट रहता तो ये ऊपर में जो ये जो पायलट दिख रहा है ना ये लगा हुआ नहीं रहता ये, ठीक है। तो अब आइए तो इनडायरेक्ट में आते हैं हम लोग, सॉरी बहुत ये हो गया
अचानक से. नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंस्ट्रूमेंट मेजर डीसी एंड एसी वोल्टेज ओनली, दोनों मेजर करता है. कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ एटम इज हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर इज, हेक्सागोनल में सर 12 होता है ये, ठीक है. 6 एटमोसफेयर पर यूनिट सेल होता है, 6 6 12, ठीक है. स्पीड कंट्रोल ऑफ सिंगल फेज सीरीज मोटर कैन बी डन बाय वोल्टेज वेरिएशन. क्रिस्टल ऑक्सीलेटर इज अ कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर ड्यू टू हाई क्वालिटी फैक्टर, ठीक है. नेक्स्ट, आर एम्प्लॉयड द ऑपरेशन ऑफ जॉब क्रशर में जो यूज होता है ये बेल्टेड टाइप होता है, बेल्टेड टाइप स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, जो कि हम लोग बेल्ट लगा करके दोनों मशीन को कनेक्ट करते हैं. 106 नंबर, टू रिड्यूस द लोड इफेक्ट द इंस्ट्रूमेंट मस्ट पजेज हाई इनपुट इम्पीडेंस. हाई इनपुट इम्पीडेंस इसका आंसर होगा. लोडिंग इफेक्ट द इंस्ट्रूमेंट मस्ट पजेज हाई. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड मिल, इसमें से कौन सा, ये भी हॉरिजॉन्टल है, साइल भी, प्रोपेलर भी, ड्रेसेस हॉरिजॉन्टल नहीं होता, ये वर्टिकल होता है बाबू, ऐसे लटका हुआ होता है. मोस्टली प्रिफर फॉर टेलीग्राफी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग किंग के. स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर डिक्रीजेज व्हेन द रोटर स्टार्ट गेनिंग स्पीड. इन ए क्लास बी पावर एम्पलीफायर आउटपुट इज हाफ ऑफ द इनपुट साइकिल, हाफ ऑफ द इनपुट साइकिल. नेक्स्ट, इन ए स्टीम पावर प्लांट कौन हीट आर फीड वाटर टू वे द बॉयलर एंड ड्राइविंग हीट फ्रॉम इकोनोमाइजर. स्टीम पावर प्लांट में जो बॉयलर हम लोग यूज करते हैं इसके ऊपर इकोनोमाइजर लगा रहता है, यहाँ इकोनोमाइजर, और जब हम लोग पंप के थ्रू यहाँ पानी को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और ये पानी फिर से बॉयलर उसके ऊपर होता है एयर प्री हीटर, उसके ऊपर चिमनी लगा रहता है बाबू, ठीक है. यहाँ पंप, पंप से यहाँ सुपर हीटर देन टर्बाइन, यहाँ से हम लोग कोयला डालते हैं, तो इकोनोमाइजर होता है ये. नेक्स्ट, फॉर अ डीसी मोटर मैग्नेट, डीसी मोटर में जो मैग्नेट होता है वो हम लोग प्रीफर जो करते हैं वो हम लोग सिलिकॉन स्टील नहीं बाबू, टंगस्टन स्टील यूज करते हैं. कोलपिट्स ऑक्सीलेटर वर्क इन क्लास ए, है ना. वर्क एंड द केमिकल इफेक्ट ऑफ द करेंट डीसी एम्पियर आवर मीटर. वर्किंग फ्लूइड इन ए गैस टर्बाइन प्लांट इज जनरली कंप्रेस्ड इन रोटेटरी मल्टी स्टेज कंप्रेसर. By low voltage application we can start a S-charge motor. Low voltage application के लिए हम लोग S-charge motor यूज कर लेते हैं. As compared to FET, BJT has low input impedance and low output impedance. Low voltage control rectifier होता है. The full scale deflection in induction instrument is about 300 degree. Susceptibility for a paramagnetic material is positive. Susceptibility positive होता है paramagnetic, but लेकिन small होता है, जाइ बहुत ही positive होता है, ये positive में होता है लेकिन small होता है ये paramagnetic का. Diamagnetic का होता है ये negative होता है ना, and फेरोमैग्नेटिक का ये पॉजिटिव होता है लेकिन बहुत ही लार्ज होता है, ठीक है. नेक्स्ट, इन डिफ्लेक्शन टोटल, अभी जस्ट हम लोग ऊपर चर्चा किए थे यही क्वेश्चन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द मोटर. द फॉलोइंग पिक्चर रिप्रेजेंट्स, ये पिक्चर जो आपके स्क्रीन पे है ये किसका रिप्रेजेंट कर रहा है सर, तो देखो एरो बाहर की तरफ मूव किया हुआ है, ठीक है. तो इस एरो से आपको पता चल रहा होगा कि ये किस में जाएगा,
ठीक है। तो ये क्या हो गया, लाइट इमिटिंग डायोड। मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस इज नॉट पॉसिबल बाय आरएलसी ब्रिज से तो करते ही, विन ब्रिज से करते हैं, सर्चिंग ब्रिज से करते हैं, मैक्सवेल विन ब्रिज से नहीं बाबू, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बायोगैस प्लांट पीएच ऑफ द स्लरी इज कैप बिटवीन 6.5 to 8.5, ये यूज होता है। अब ये सब थोड़ा सा आपको मैं डिस्कस कर दूंगा ये चीज। नेक्स्ट, पी साइड इमिटर इन यूजीटी इज हैवली डॉप्ड, पी साइड, ये तो पढ़ने के बाद ही। इनपुट इम्पीडेंस इज लिस्ट इन द केस ऑफ सीबी कॉमन बेस कैलकुलेशन। व्हेन इमिटर टर्मिनल ऑफ यूजीटी इज ओपन एंड द रेजिस्टेंस बेस टर्मिनल इज, इमिटर को यदि ओपन कर दिया तो रेजिस्टेंस बेस क्या हो जाएगा, बहुत ही हाई हो जाएगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, यही 2016 से था जहाँ से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मार्किंग में पूछना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने, ठीक है। तो अब है ये वेरी हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाई स्पीड हाई हेड पावर प्लांट हैज टर्बाइन, जो होगा वो पेल्टन व्हील यूज करते हैं हम लोग। हार्मोनिक इन डीसी ड्राइव अ कंपेयर ऑफ एसी ड्राइव इज जीरो, डीसी ड्राइव कंपेयर टू एसी ड्राइव जीरो हो जाएगा डीसी में सर। सोलर एनर्जी कैन नॉट यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, न्यूक्लियर रिएक्शन, बाकी सब होता है प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, कुकिंग ऑफ फूड, न्यूक्लियर रिएक्शन हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ऑन अप्लाइंग मैकेनिकल स्ट्रेस अ मटेरियल गेट्स इलेक्ट्रिकली पोलराइज, इट मस्ट बी पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल पोलराइज। लो वोल्टेज केबल हैव ऑपरेटिंग वोल्टेज अप टू 1 kV, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग नॉट ए रेजिस्टेंस वेल्डिंग, दैट इज द आर्क वेल्डिंग, बाकी सब प्रोजेक्शन सीम एंड फ्लस, बट ये सब क्या है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा जो है वो करंट रीडिंग नहीं करता, ये तीनों करता है, मॉस्फेट नहीं करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट, अ पावर ट्रांजिस्टर हैज हाई स्विचिंग स्पीड। इन आर्गन आर्क वेल्डिंग आर्गन एक्ट एज, आर्गन आर्क वेल्डिंग में आर्गन एक्ट एज शील्डेड टू प्रोटेक्ट वर्क फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। अल्टरनेटर आर रेटेड एट केवीए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज मेनली यूज्ड इन डीसी ड्राइव, थायरिस्टर, थायरिस्टर को हम लोग मेनली डीसी ड्राइव में ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट मटेरियल, मास केजी करंट एम्पियर, लेमिनेस इंटेंसिटी कैंडला, सर टेम्परेचर का केल्विन होता है, डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, ये गलत है, मतलब ये सही है, ये ऑप्शन होगा आपका। अ गुड फ्यूज वायर मस्ट हैव हाई कंडक्टिविटी हाई मेल्टिंग पॉइंट, गुड फ्यूज वायर कंडक्टिविटी क्या होना चाहिए इसका, हाई होना चाहिए, हाई डिटोरेशन होना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, है ना। तो क्या होना चाहिए सर, लो होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट, लो ओहमिक लॉस होना चाहिए, है ना, हाई कंडक्टिविटी होना चाहिए एंड डिटोरेशन नहीं होना चाहिए सर, इट्स फ्री फ्रॉम डिटोरेशन होना चाहिए। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, हाई कंडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्रीज टू रिड्यूस द पेरिफेरल स्पीड ऑफ अल्टरनेटर डायमीटर ऑफ रोटर इज डिक्रीज। इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट इज अबाउट 100 kW, बहुत ही छोटा। विच टाइप्स ऑफ हाइड्रल पावर प्लांट कैन बी यूज एज बोथ बेस एंड पिक लोड प्लांट, दोनों में कौन कौन सा यूज कर सकते थे, स्टोरेज टाइप प्लांट, मतलब जो स्टोर करके रखोगे तभी सर दोनों सीजन में आप यूज कर सकते हो, दोनों टाइप में आप यूज कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग एडेड इन रबर टू मेक इट वल्कनाइज, वल्कनाइज करने के लिए सल्फर यूज करते हैं, तो हम लोग केबल में पढ़े थे ये चीज, आपको केबल का जब मटेरियल पढ़ा रहे थे कि वल्कनाइज रबर जो केबल में यूज करते हैं वो हम लोग देख रहे थे। तो ये जो है
टॉर्क करंट करेक्टरिस्टिक्स है, टॉर्क सबसे कम किसका होता है, फ्री सर टॉर्क बहुत कम किसका होता है, तो आपके जहन में आ जाएगा डिफरेंशियल टाइप डिफरेंशियल टाइप कंपाउंड मोटर, क्योंकि फ्री स्पीड होता है सर इसका। इन कॉन्टेक्स्ट द सोलर प्रोडक्शन द एफिशिएंसी ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर इज यूजुअली 30 to 50%। स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ इंडक्शन मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर, ये हम लोग पढ़ते रहते हैं स्टार्टिंग टॉर्क। एल वी डी टी के नॉट मेजर, एल वी डी टी का लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल कैन नॉट मेजर सर, बाकी सब मेजर कर लेता है बाकी टेम्परेचर छोड़ करके। 149 इधर रेसिप्रोकल ऑफ ट्रांसफार्मर, रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर इज 11, द रेशियो ऑफ करेंट इज सेकेंडरी टू प्राइमरी इज 1/11। द रेसिप्रोकल ऑफ द ट्रांसफार्मर, यही बोलोगे ना, तो सर कितना है, 1/k ले लोगे, तो द रेशियो ऑफ द करंट इन द सेकेंडरी टू प्राइमरी, तो सर सेकेंडरी टू प्राइमरी कितना हो जाएगा हमारा, 1/k ले लिए, रेसिप्रोकल ले लिए हैं तो 1/k 1/11, तो 1/11 ही तो होगा, I2/I1, नहीं तो I1/I2 कितना हो जाएगा, ऐसे होना चाहिए था 1/11, बट रेसिप्रोकल है तो 1/11। ओम्स लॉ इज फॉलोड बाय मेटल रेक्टिफायर, नहीं सर, क्रिस्टल डिटेक्टर नहीं सर, आर्क लैम्प तो ये तो नहीं सर, कॉपर इलेक्ट्रोड। देखिए ये क्वेश्चन कुछ फास्ट मैंने कराया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, आप लोग आंसर भी मैच करा लेना, लेकिन बात क्या है कि कुछ क्वेश्चन जैसे कुछ केमिस्ट्री का या कुछ टॉपिक जो भी है इसमें डाउट में रहा होगा आप लोगों का, तो ये चीज़ क्या है ना कि पढ़ने के बाद ही, जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ टॉपिक था, ये 2016 ही था जो कि क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से ज़्यादा यहाँ पूछा गया था, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, मतलब 30 से 40 क्वेश्चन मैंने देखा, उसी समय ये क्वेश्चन आया था टोटल 30 से 40 क्वेश्चन, ठीक है। तो करना क्या है, ठीक है मैं पीडीएफ तो दे दिया हूँ, पीडीएफ भी डाल दूंगा और आप भी देख लेना। करना क्या है ना कि आपको देखो क्वेश्चन तो ठीक है, क्वेश्चन हम बना लिए सब कुछ हो गया, लेकिन केवल क्वेश्चन बनाने से नहीं होगा कि केवल क्वेश्चन का आंसर लिख दिए हो गया, नहीं आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, खास करके इसको आप देखना मिला करके, हम 5th क्वेश्चन भी पब्लिश कर चुके हैं, 5th टेस्ट भी, 6th टेस्ट आज दे देंगे, ठीक है। तो मेन है यहाँ पढ़ाई करना, पढ़िएगा तभी आपका कुछ होने वाला है, पढ़ने के लिए कंसेप्ट चाहिए, हवा में तीर मारोगे नहीं हो पाएगा बाबू, आपको लग रहा होगा कि हम ये सही बनाए, नहीं होता है, हम इस यही दबाव सब पे डालते हैं, सब जानते हो क्यों रिजल्ट कम हो जाता है या अच्छे अच्छे क्यों फंस जाते हैं। आज देखते हो कोई भी फॉर्म निकलता है एक हुजूम टाइप से, एक भीड़, आखिर क्या है ना कॉन्फिडेंस, एक तो कॉन्फिडेंस नहीं, दूसरा क्या है ना कि हम लोग दूसरे में जा करके कमी ढूंढते हैं, खुद का तो कभी देखे नहीं कि खुद में क्या था, हम क्या है, और दूसरे में देखते हैं अरे वो नहीं कर पा रहा है, वो उससे नहीं हो पा रहा है, इसे अरे ठीक है, लेकिन आप उसको जनरल वे में तो लो, पहले आप खुद तो स्टार्ट तो करो, तो पढ़िए। थैंक यू, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे अभी।